मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज शाम को ठाणे महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी जितेंद्र साबले और भाले राव उनकी टीम ने आनंद कोलीवाड़ा स्थित मार्केट और मुमरा मार्केट में कार्रवाई की है। मनपा का कहना है कि सुबह 3 बजे से दोपहर 12 बजे तक मार्केट लगाने की अनुमति है, तो फिर शाम के वक्त भी मुमरा में मार्केट क्यों लगती है? इसलिए शाम के वक्त मार्केट हटाने के लिए मनपा कर्मियों ने आज कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान भगदड़ भी मची। लोग अपने अपने सामान लेकर भागने लगे। हालांकि मार्केट लगाने की भी मनपा ने कई जगह चिन्हित किया है और वहां भी मार्केट सुबह 3 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगाई जाती है। आनंद कोलीवाड़ा में लोगों को हटाने के दौरान उसी बीच एक अजीत सिंह नामक व्यक्ति ने मनपा कर्मियों को गाली दी थी, जिसके बाद मनपा कर्मियों ने उस व्यक्ति को दौड़ाकर पकड़ लिया और उठक बैठक भी करवाई। और इस दौरान व्यक्ति ने बताया कि गाली उसने नहीं दी थी, उसके पास खड़े एक व्यक्ति ने गाली दी, मगर जब मनपा कर्मियों ने दौड़ाया तो वो भी भागने लगा। अजीत सिंह मेडिकल चलाते हैं और गाली देने की बात से इनकार कर रहे हैं। वहीं मनपा कर्मियों ने बताया कि इन्हें घर जाने के लिए कहा गया तो इन्होंने गाली दी। देखिए किस तरह से मनपा कर्मियों ने कार्रवाई की और अजीत सिंह ने गाली देने पर क्या कहा है, सुनिए। साहब मैंने गाली दिया नहीं था, जो भाजीपाला बेचने वाला कलिंगर बेचने वाले वो गली में ये लोग आए रेट डालने को तो वो गाली दे के भागे, तो मैं भी डर के हिसाब से भागा तो मेरे को पकड़ लिया था साहब ने। गाली किसने दिया? गाली किसने? वो भाजीपाला और कलिंगर वाले ने दिया था। यानी आपने नहीं दिया? मैंने नहीं दिया गाली। तो सुना आपने, अजीत सिंह का कहना है कि उन्होंने गाली नहीं दी थी, मगर वही मनपा कर्मियों का कहना है कि अजीत सिंह ने गाली दी थी और इसलिए इन्हें पुलिस स्टेशन लाया जा रहा था इनके ऊपर मामला दर्ज कराने के लिए, लेकिन अजीत सिंह ने माफ़ी मांगी जिसके बाद मनपा कर्मियों ने इन्हें छोड़ दिया। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।